हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। सुन, अभी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने पढ़ाना शुरू किया है जहां पर मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ये सब मैंने डिस्कस किए। अगर आपने नहीं देखे तो आप आई टिप पे जाके देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है, इससे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं और इनवर्स लाप्लास कैसे निकालते हैं। ये आज मैं आपके सामने सिखाने वाला हूं। सर, इससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। तो सर, अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन है जो कि मतलब हमारे पास t इज ग्रेटर देन a के लिए हमारे पास 1 दे रहा है और t इज लेस देन a के लिए हमारे पास क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इसमें ये जो फंक्शन होता है इसका ग्राफ हमारे पास इस टाइप का होता है। मान लीजिए ये हमारे पास a है, तो जैसे ही a से बड़ा होगा तब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, एंड उससे छोटे पर हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सच फंक्शन इज नॉन एज ए यूनिट स्टेप फंक्शन। इसका यूज क्या होता है, तो सर इसका यूज समझने की जरूरत है। इसको हम यहाँ पे एच टी माइनस ए रखते हैं, कुछ बुक में इसको यू टी माइनस ए भी बोला जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं। एक मैं आपके सामने एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे लिखा है कि साइन टी माइनस पाई बाई थ्री वेर टी इज ग्रेटर देन पाई बाई थ्री एंड जीरो वेर टी इज लेस देन पाई बाई थ्री। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से दे रखा है, राइट। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो सुन यहाँ पे साइन टी माइनस पाई बाई थ्री बाहर निकालेंगे, तो साइन टी माइनस पाई बाई थ्री बाहर निकालेंगे, तो सुन यहाँ से हमारे पास आएगा वन वेर टी इज ग्रेटर देन पाई बाई थ्री, है ना, एंड जीरो वेर टी इज लेस देन पाई बाई थ्री। और सुन इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन टी माइनस पाई बाई थ्री इंटू एच टी माइनस पाई बाई थ्री। सुन ये जो होता है ना, ये हमारे पास क्या होगा, एच टी माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप इतना बता क्यों रहे हो, करना क्या चाह रहे हैं। तो भैया अगर आपको इस टाइप का कोई भी फंक्शन दे रखा है और उसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जैसे ऐसा कोई भी फंक्शन दे रखा है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो नॉर्मली हमारे पास फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस एस टी एफ टी dt, है ना। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि यार इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के बताओ, तो भैया हमारे पास यहाँ पे इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वेयर t 0 से लेस देन पाई बाय 3, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन 0 से पाई बाय 3 लेंगे, है ना, एंड फिर हमारे पास यहाँ लेंगे सुन पाई बाय 3 से इन्फिनिटिव। सुन 0 से पाई बाय 3 में हमारे पास t की जो वैल्यू, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू, वो हमारे पास क्या दे रखी है, 0 दे रखी, राइट, है ना, तो 0 हो जाएगा, है ना। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, सुन यहाँ पे साइन t माइनस पाई बाई थ्री, एंड सुनिए एफ टी की वैल्यू हमारे पास ये है, एंड ये आएगा e की पावर माइनस एस टी डी टी हो जाएगा। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। देखो जब t लेस देन पाई बाई थ्री तब तो ये जीरो आ रहा है ना, और जब पाई बाई थ्री से बड़ा है तो हमारे पास एफ टी की जो वैल्यू है, मतलब ये जो एफ टी है हमारे पास ये आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना थोड़ा सा भारी हो जाता है, राइट, है ना। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से बहुत इजीली कर सकते हैं। मतलब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़ा इजीली इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है। ये इतना कॉम्प्लिकेसी में फंसने की हमें जरूरत नहीं है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से जो आंसर आएगा वही हमारा इससे भी आएगा, दोनों से आंसर सेम ही आता है। अब मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होती क्या है। तो सुन अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है लाप्लास ऑफ एफ टी, राइट, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास एफ एस है, तो सुन यहाँ पे होता है लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए, एच टी माइनस ए की जो वैल्यू होती है वो होती है ई की पावर माइनस ए एस एफ एस होती है। सुन ये हमारे पास क्या होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिया था कि यार आपके पास बोला था मैंने कि साइन टी माइनस पाई बाई थ्री वेर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई थ्री एंड जीरो वेर टी इज लेस देन पाई बाई थ्री, हमारे पास ये दे रखा था बेटा। मैंने क्या बोला था आपको कि इसको बाहर निकालेंगे, तो यार ये आएगा साइन टी माइनस पाई बाई थ्री, और यार यहाँ से हमारे पास ये वन हो जाता है, और वन हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, एच टी माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा। तो यार हमें क्या करना है, अगर आपसे बोला जाए कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, मतलब आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, राइट, तो हम हमारे पास थ्योरम क्या बोलती है, मतलब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलती है कि आप सबसे पहले एफ टी का लाप्लास निकालो, मतलब ये हमारे पास एफ टी है ना, ये हमारे पास दैट इज साइन टी, हम साइन टी का लाप्लास निकालेंगे ना, तो एफ टी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुन साइन टी, तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे साइन टी का लाप्लास निकालेंगे, तो साइन टी का लाप्लास हमारे पास क्या होगा, सुन वन अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर। अब क्या होता है अगर टी यहाँ पे जो टी है उसकी जगह टी माइनस है और एच टी माइनस, मतलब ये इतनी टर्म अगर एक्स्ट्रा आ जाती है तो यहाँ पे ई की पावर माइनस ए एस आ जाता है, भाई ध्यान देने की जरूरत है ना। तो सुन इसका मतलब क्या होगा, साइन टी माइनस पाई बाई थ्री एच टी माइनस पाई बाई थ्री अगर ये आ जाता है तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ई की पावर माइनस ए, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है,
पाई बाई थ्री एस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। सुन ये हमारे पास क्या है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और बताना चाहूंगा कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारे पास इस टाइप का है कि t माइनस वन का होल स्क्वायर वेयर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड जीरो वेयर t इज लेस देन इक्वल टू वन। मान लीजिए हमारे पास दे रखा है, आपसे पूछा जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले। तो सुन क्या करेंगे, सबसे पहले t माइनस वन के होल स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, तो भैया यहाँ पे वन हो जाएगा और वन रखेंगे तो सुनिए क्या होगा, एच टी माइनस वन हो जाएगा, राइट। अब आपको इसका लाप्लास निकालना है तो सबसे पहले किसका लाप्लास निकालेंगे, सुन टी स्क्वायर का निकालेंगे। किसका निकालेंगे भैया, टी स्क्वायर का लाप्लास। सुन टी स्क्वायर का लाप्लास हमारे पास क्या होता है, सुन गामा टू अपॉन एस क्यूब है ना, मतलब गामा थ्री अपॉन एस क्यूब, तो सुनिए आएगा टू अपॉन एस क्यूब हो जाएगा, राइट है ना। एक्चुअली गामा थ्री अपॉन एस क्यूब आता है, गामा थ्री की वैल्यू हमारे पास टू होती है, राइट। अब हमें बोला जा रहा है जहां पर भी टी है वहां पर क्या रखेंगे, टी माइनस वन एंड एच टी माइनस वन, राइट। हमें इसका लाप्लास निकालते हैं, क्या होगा सुन ई की पावर माइनस ए एस, ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुन ये आ जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा एस क्यूब, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई करके किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, पर वो हमारे पास इस टाइप का होना चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यूनिट स्टेप फंक्शन का कंसेप्ट होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं सुन सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का इनवर्स भी क्या होता है हमारे पास, है ना। तो सुन इनवर्स क्या होता है कि अगर यहाँ पे इनवर्स क्या होता है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एफ टी आ रहा है तो सुन लाप्लास इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस ए एस एफ एस। भैया देखो सुनो मेरी बात, है ना, ये एल उधर गया तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस एफ टी आ रहा है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा सुन एफ टी माइनस ए इंटू एच टी माइनस ए आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये बोला जाए, जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न लेता हूँ कि यार आपसे बोला जाए कि वॉट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस पाई बाई थ्री एस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, आपसे पूछा जाए कि यार इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, तो सुन सबसे पहले लाप्लास इनवर्स किसका निकालेंगे, एफ एस का निकालेंगे, मतलब इसका निकालेंगे ना। तो सुन लाप्लास इनवर्स क्या आएगा, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन आएगा, तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, साइन टी आ जाएगा, राइट। अब सुन क्या होगा, ये ई की पावर माइनस ए एस एक्स्ट्रा आता है, तो जहां पर भी टी वहाँ टी माइनस है और एच टी माइनस, मतलब ये चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, समझ में आ रहा कि नहीं। अगर ये यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा तो ये चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे ई की पावर माइनस पाई बाई थ्री एस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन आएगा, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा साइन टी माइनस पाई बाई थ्री एच टी माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा। और हम जानते हैं सुन एच की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एच टी माइनस मतलब ए का हमारे पास फंक्शन ये होता है, तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, साइन टी माइनस पाई बाई थ्री और सुनिए सो एच है यूनिट स्टेप फंक्शन, इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ क्या आएगा, सुनिए वन वेर ए टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई थ्री एंड जीरो वेर टी इज लेस देन पाई बाई थ्री, सुनिए अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन टी माइनस पाई बाई थ्री है ना, वेर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई थ्री एंड जीरो वेर टी इज लेस देन पाई बाई थ्री। तो सुन ये हमारे पास क्या होता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होता है, दोनों आपको पता होना चाहिए ना। और मैं यहाँ पे दोनों एक साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल बताया था इसी तरह से मैंने यहाँ पे सामने एक एग्जांपल दिया है लाइक इनवर्स लाप्लास फॉर द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, है ना। जैसे हमारे पास ये बोला जा रहा कि ई की पावर माइनस पाई बाई थ्री एस एस स्क्वायर प्लस वन, तो सबसे पहले हम एस स्क्वायर प्लस वन का लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास साइन टी, तो ये एक्स्ट्रा लग गया तो टी माइनस पाई थ्री एस टी माइनस पाई थ्री, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है ना कि हमारे पास आ रहा है कि टी माइनस ई टी माइनस टू वे टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड जीरो वे टी इज लेस देन इक्वल टू टू, है ना, लेस देन टू। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ढंग से लिखेंगे, है ना। तो सुन ई की पावर टी माइनस टू बाहर निकालेंगे दिया आएगा वन वे टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड जीरो वे टी इज लेस देन टू। बेटा ये हमारे पास यूनिट स्टेप की डेफिनेशन से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या जाएगी, एच टी माइनस टू हो जाएगा, भैया पता है ना। फिर हम क्या करते हैं सुन यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन रहेगा वो ये रहेगा, है ना। तो बेटा सबसे पहले हम किसका लाप्लास निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ई की पावर टी का लाप्लास, है ना। तो सुन लाप्लास ऑफ ई की पावर टी हमारे पास क्या आएगा, वन अपॉन एस माइनस वन। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, ई की पावर टी माइनस टू इंटू एच टी माइनस टू, सुन ये चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ी थी, यहाँ पे क्या आएगा ई की पावर माइनस ए एस, ए की वैल्यू कितनी है टू है, तो ये आएगा हमारे पास। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, राइट। इस तरह से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सुन इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, टी माइनस वन, राइट। तो यार ये भी बड़ा इजी है, क्या करेंगे सुन टी माइनस वन को कॉमन निकाल दो तो ये आएगा वन वेयर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जीरो वेयर टी इज लेस देन वन हो जाएगा, राइट, है ना। तो यार टी माइनस वन इंटू एच टी माइनस वन हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, राइट। अगर हम इसका लाप्लास निकाला तो सबसे किसका निकालेंगे, लाप्लास ऑफ टी वन अपॉन एस स्क्वायर, तो लाप्लास ऑफ ये आएगा टी माइनस वन एच
टी माइनस वन आ जाएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर माइनस ए एस, तो ए की वैल्यू हमारे पास वन है, तो यार ये हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा, राइट। इस तरह से हमारे पास इसकी बात करी जाए कि लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो लाप्लास इनवर्स ऑफ सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, एस स्क्वायर माइनस वन, तो बेटा ये हमारे पास होता है कॉस हाइपरबोलिक टी, राइट, ये हमारे पास क्या होगा सुन, इसका लाप्लास इनवर्स होता, बिकॉज मैं नीचे माइनस आ रहा इसलिए हाइपरबोलिक प्लस होता तो कॉस हो जाता, राइट। अब हम क्या करेंगे सुन, लाप्लास इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस टू एस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन, तो सुन जब भी हमारे पास ये एक्स्ट्रा चीज आइए तो यह आएगा कॉस हाइपरबोलिक टी माइनस टू एच t माइनस टू हो जाएगा, राइट। तो सुनिए आएगा cos हाइपरबोलिक t माइनस टू, बेटा इसको खोलेंगे तो ये आएगा वन वेर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड जीरो वेर t इज लेस देन टू, बेटा ये अंदर चला जाएगा तो ये आएगा हमारे पास cos हाइपरबोलिक t माइनस टू वेर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड जीरो वेर t इज लेस देन टू। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा इसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, राइट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वॉट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस टू एस अपॉन एस माइनस वन की पावर फोर, राइट, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सुन सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस वन का पावर फोर, इसका हम लाप्लास इनवर्स निकालेंगे पहले। तो सुन इसका जो लाप्लास इनवर्स होगा वो हम कैसे निकालते हैं, सुनिए आएगा e की पावर t, है ना, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस पावर फोर हो जाएगा, याद है ना, सबसे पहले यहाँ पे माइनस है तो ई की पावर टी आ जाएगा, राइट, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इनवर्स है ना, एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ई की पावर टी और ये आएगा हमारे पास टी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टर मतलब सिक्स। सुन यहाँ पे ये इसका क्या जाएगा लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। नाउ अब हमें ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, सुन हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि वॉट इज अ लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस टू एस एस माइनस वन पावर फोर। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पर भी t है वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन t माइनस टू, ये आएगा हमारे पास t माइनस टू का क्यूब अपॉन सिक्स इंटू एच टी माइनस टू हो जाएगा, देन इस एच टी माइनस टू को खोलेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी सुन, e की पावर t माइनस टू और ये आ जाएगा हमारे पास t माइनस टू का क्यूब अपॉन सिक्स वेर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड जीरो वेर t इज लेस देन टू। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी इसकी वैल्यू आएगी, तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सो सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे और भी अगर वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप csir नेट गेट और IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ जाके मेरी वीडियोज को देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।